अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडायनिक्स। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पिवट एलिमेंट या रो लीडर क्या होता है। इससे पहले हम एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। अगर आपने एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो है उसका लेक्चर अभी नहीं देखा तो काइंडली इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पहले एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की वीडियो को देखें ताकि आपको पिवट एलिमेंट और रो लीडर समझना आसान रहे। उसके अकॉर्डिंग पिवट एलिमेंट और रो लीडर क्या होता है, इन एचलॉन मैट्रिक्स द फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट इन नॉन जीरो रो इज कॉल्ड द पिवट एलिमेंट और रो लीडर। इसका मतलब क्या है कि एचलॉन मैट्रिक्स में जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है किसका, नॉन जीरो रो का, नॉन जीरो रो का जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होता है वो उस रो का पिवट एलिमेंट या रो लीडर कहलाता है। अब इसमें एक एग्जांपल है, वो देखते हैं जी रो लीडर कौन सा है या पिवट एलिमेंट कौन सा है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है कि नॉन जीरो रो में फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री, ये हमारे पास नॉन जीरो रो है पहली, इसमें अगर देखें तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो ये वन है। उसके बाद सेकंड रो में देखूं तो मेरे पास दो जीरोस के बाद नॉन जीरो एंट्री, ये वन है। इसके बाद ये थर्ड रो में देखूं तो तीन जीरो छोड़ के फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री जो है वो ये वन है। तो ये तीनों जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं ये इस मैट्रिक्स में रो लीडर कहलाते हैं, रो लीडर कहलाते हैं या पिवट एलिमेंट कहलाते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो तमाम के तमाम नॉन जीरो फर्स्ट एंट्रीज ऑफ नॉन जीरो रोज जो होती हैं उनको हम रो लीडर या पिवट एलिमेंट कहते हैं। इसके बाद है जी पिवट कॉलम। इन एचलॉन फॉर्म द कॉलम विच हैज द पिवट एलिमेंट इज नोन एज पिवट कॉलम। अब अगर मैं इस कॉलम को देखूं तो ये फर्स्ट एंट्री जो है वो इस कॉलम में पाई जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट होगा उस कॉलम को पिवट कॉलम बोलेंगे। अब वन जो है सेकंड कॉलम में आ रहा है इसलिए सेकंड कॉलम को हम पिवट कॉलम बोल देंगे। अब ये थर्ड कॉलम में देखें तो फिर उसमें भी वन जो है नॉन जीरो एंट्री आ रही है जिसको हम पिवट एलिमेंट या रो लीडर बोलते हैं, तो सेकेंड कॉलम को हम पिवट कॉलम बोल सकते हैं। थर्ड जो कॉलम है उसमें एट द एंड जो है आ रही है नॉन जीरो एंट्री, तो हम जिसको पिवट एलिमेंट या रो लीडर बोलते हैं तो इसीलिए इसको भी हम पिवट कॉलम बोल सकते हैं। इस डेफिनेशन का मेन पॉइंट क्या है कि वो कॉलम जिसमें पिवट एलिमेंट है उसको हम पिवट कॉलम बोलेंगे। अब हम इनकी जो एग्जाम्पल से वजाहत करते हैं। लेट सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका जो ऑर्डर है वो है 3 by 3। इसमें फर्स्ट एंट्री है 0 0 0, सेकंड है 0 1 0, थर्ड है 1 0 0। अब इसको अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन पहले हम, क्योंकि ये एचलॉन मैट्रिक्स होता है, पहले इस मैट्रिक्स ए को एचलॉन मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेलेंट टू ए हो जाएगा, नॉन जीरो रोज और जीरो रोज को हमने सेट करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रॉपर्टी के। नॉन जीरो रोज होती हैं वो जीरो रो से अबव आएंगी। इसकी फर्स्ट रो जीरो रो है और इसकी सेकंड और थर्ड रो नॉन जीरो है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड प्रॉपर्टी ये था कि जिस रो में पहली एंट्री नॉन जीरो हो पहले वो रो लिखनी है, तो ये है वन, यहाँ पे ये नॉन जीरो एंट्री है पहले इसको ही लिख देंगे। उसके बाद एक जीरो जिसमें आए पहले वो एंट्री लिखेंगे। अब क्योंकि तीन ही रोज हैं तो ये थर्ड जीरो रो है इसको हम यहां लिख देंगे। ये बन गया जी हमारा एचलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन गया। अब इसके बाद हम देखेंगे पिवट एलिमेंट और पिवट कॉलम कौन सा है इसमें। अब पिवट एलिमेंट क्या है जी, जो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री होती है नॉन जीरो रो में। अब पहली और दूसरी नॉन जीरो रो है, इसमें पहला एंट्री जो है ये वन, ये नॉन जीरो है, इसमें ये वन जो है नॉन जीरो है। इसका मतलब ये दोनों एंट्रीज जो है हमारी रो लीडर या पिवट एलिमेंट कहलाती है, रो लीडर या पिवट एलिमेंट। उसके बाद पिवट कॉलम क्या होता है कि जिस कॉलम में पिवट एलिमेंट होता है उस कॉलम को पिवट कॉलम बोलते हैं। तो इस पहले कॉलम को देखूं तो इस कॉलम में जो है पिवट एलिमेंट मौजूद है इसलिए ये वाला कॉलम पिवट कॉलम बनेगा।
सेकेंड कॉलम में भी जो है नॉन जीरो एंट्री या जिसको हम रो लीडर और पिवट एलिमेंट बोलते हैं वो है, इसका मतलब ये भी हमारा पिवट कॉलम बन जाएगा। लेकिन जब थर्ड कॉलम में देखें तो इसमें कोई भी रो लीडर या हमारा पिवट एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा पिवट कॉलम नहीं कहलाएगा। ये दोनों कॉलम्स जो हैं ये हमारे पिवट कॉलम्स कहलाएंगे। जी तो मेरे कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने देखा है कि पिवट एलिमेंट और रो लीडर क्या होता है किसी भी एचलन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में, और पिवट कॉलम क्या होता है। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह ने के बाद।